गुड मॉर्निंग चुटपुट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से क्या लिखना सीखेंगे। आज मैंने मैथ्स को पहले ले लिया है ना, तो चलिए आज पहले हम लोग मैथ्स ही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो आज हम लोग मैथ्स में क्या लिखना सीखेंगे बेटा? इन वर्ड्स। हाँ, मुझे मालूम है कि मैंने ये इन वर्ड्स पहले भी कराया है बेटा, बट बीच बीच में आपका रिविज़न होना चाहिए। आप लोग बहुत छोटे हो ना, अगर रिवीजन नहीं होता रहा, रिपीट नहीं हुआ, तो आप सब भूल जाते हो। तो चलिए एक बार और हम लोग इसे रिपीट करेंगे। तो इन वर्ड्स मीन्स आपको मालूम है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये मैथ्स के नंबर हैं, तो उन्हें हम लोग इन वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे हम लोग वर्ड में लिखते हैं, लेटर्स में लिखते हैं ना, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ? इन वर्ड्स। तो चलिए आज 1 का हम लोग स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्या होगा? ओ एन ई, ओ एन ई क्या होगा? 1 का स्पेलिंग क्या होता है बेटा? ओ एन ई 1। ओके, इक्वल देकर 1 लिखोगे। और आप भी कोशिश करोगे कि जैसे मैम बॉक्स में लिखती हैं हर एक लेटर को, वैसे भी आप भी अपनी मैथ की कॉपी में बॉक्स में ही एक एक लेटर को लिखोगे, इससे जो आपकी हैंडराइटिंग है नीट और क्लीन दिखेगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बेटा आज हम लोग क्या लिखेंगे? यू साउंड के ही वर्ड लिखेंगे। तो चलिए वो कौन सा न्यू वर्ड है जानते हैं। आप सबको बहुत सारा यू साउंड से वर्ड सिखाया जा चुका है और सीख भी रहे हैं, तो आज हम लोग लिखेंगे बग। बी यू जी, बी यू जी बग। बग जो है बेटा एक कीड़ा को कहा जाता है ना, जैसे आपका नाम है तो आपके नाम से बुलाया जाता है ना, वैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि इंसेक्ट मीन्स समझते हो, कीड़े मकौड़े, तो सारे कीड़े मकौड़े के भी नाम होते हैं। तो एक बग जो होता है एक कीड़े का नाम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बी यू जी बग। बग मीन्स क्या होता है? कीड़ा। और एक लेडी बग होता है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट में आपको लिखा है बी यू जी बग। तो एक कीड़े को बग कहा जाता है, तो इसे आप 3 times लिखोगे, बी यू जी बग। ठीक है, अपनी इंग्लिश की कॉपी में इसे लिखकर कंप्लीट करोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हिंदी में। हिंदी में मैंने आपको बरगद नटखट लिखना सिखाया था, प्रीवियस वीडियो में आपने नटखट लिखना सीखा था, जो कि आप सब हो, बच्चे तो नटखट होते ही हैं। आज हम लोग लिखेंगे क्या? झटपट। तो क्या लिखेंगे? पहले झ ट प ट, ये 4 अक्षर को हमने मिलाया तो कौन सा शब्द बना बेटा? झटपट। झटपट मीन्स क्या होता है? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट करना। जैसे आपको मम्मा अगर दूध पीने के लिए देती है ना, ग्लास में देती है ना मिल्क, तो क्या कहती है? झटपट से जल्दी से दूध फिनिश कर दो, यानी जल्दी जल्दी दूध को पी लो। तो झटपट मीन्स होता है जल्दी जल्दी। तो आप लोग इसे 3 times लिखोगे, झ ट प ट, झटपट मीन्स क्या होता है? फास्ट फास्ट काम करना, जो कि आप भी करते हो ना, तो आप भी जल्दी से झटपट अपनी कॉपी में इसे लिख डालना, झ ट प ट झटपट। तो झटपट मैम भी लिख दी और झटपट आप भी अपनी कॉपी में इसे लिख देना। ओके, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।